हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजित कुमार गुप्ता है और आज हम लोग केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट चैप्टर आइसोमरिज्म को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइसोमरिज्म को शुरू करने से पहले देखते हैं कि ये चीज है क्या। तो क्लास टेंथ में आपको पहली बार एक इंट्रोडक्शन मिला होगा आइसोमरिज्म का, चैप्टर कार्बन और इट्स कंपाउंड। तो उसमें हमें आइसोमरिज्म के बारे में बताया गया कि आइसोमरिज्म एक ऐसी घटना है जिस घटना में एक केमिकल फॉर्मूला या मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड हमारे पास मिलते हैं। सपोज हम अगर बात करें कि अगर कहीं लिखते हैं C3H6O, हमने एक मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख दिया C3H6O और बोला किसी साइंस के स्टूडेंट को कि ये बताइए कि ये किस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है या किस फैमिली ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो एक स्टूडेंट आया और वो बोल रहा है कि सर ये कीटोन है और कीटोन इसलिए है कि यह CH3COCH3 है। तो हम इसे सही बोल दें, क्यों भाई? क्योंकि यहां पर कार्बन C3 तो 1, 2, 3 और हाइड्रोजन 6 3, 2, 3, 6 एंड ऑक्सीजन 1। मतलब कि ये साइंस के स्टूडेंट ने सही एक्सप्लेन किया कि ये फॉर्मूला कीटोन को रिप्रेजेंट कर। लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट को बुलाया और उसने बोला कि सर ये कीटोन नहीं अल्डिहाइड। क्यों अल्डिहाइड है? क्योंकि ये CH3 CH2 CH मतलब यहां पर 1, 2, 3 कार्बन एंड 3, 2, 1 मतलब कि टोटल 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो शायद ये भी सही। तो अगर हम देखें कि ये केमिकल फॉर्मूला इन दो अलग ग्रुप्स के रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि हो सकता है कि अगर किसी एक की बंदे की बात मान ली जाए तो हमारा सारा एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है अगर ये कंपाउंड किसी दूसरे चीज को रिप्रेजेंट। तो ये घटना क्यों हुई? क्योंकि नेचर में या केमिस्ट्री में एक नया टर्म है आइसोमरिज्म जो एग्जिस्ट करता है। आइसोमरिज्म कहता क्या है कि एक जैसे दिखने वाले दो लोग एक चीज नहीं हो, कभी कभी वो दोनों अलग कैटेगरी। जैसे कि हमें लोमड़ी, सियार और कुत्ता एक जैसा दिखता है बट तीनों एक ही तरह के जानवर नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के लिए आइसोमरिज्म। तो हुआ क्या कि ये सिस्टम जहां पर एक ऐसा फिनोमेना जहां आपको सेम केमिकल फॉर्मूला के लिए डिफरेंट कंपाउंड मिलता है उसे कहा जाता है आइसोमरिज्म। और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर कहे जाएंगे। तो आइसोमरिज्म को समझ लें कि आइसोमरिज्म इट इज अ फिनोमेना इन विच वी कैन गेट मोर देन वन काइंड ऑफ कंपाउंड्स थ्रू वन केमिकल फॉर्मूला और द कंपाउंड्स विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ इच अदर। ठीक है, आप अगर नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो इस चीज को लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि ये आइसोमर कितने कैटेगरीज में होते हैं, किस तरह के होते हैं, वही हमारे इस चैप्टर का मेन। जो बच्चे IITs, JEE Main, NEET या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी तरह के स्टेट लेवल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, उन्हें बता दे कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इसे बैकबोन माना जाता है कि अगर आपको समझना है तो आइसोमरिज्म, रेजोनेंस और GOC पर पूरी तरह से कमांड होनी चाहिए। तो ये आइसोमरिज्म पर बता दे कि इसमें एक आधा क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इनकी हेल्प से सॉल्व होते हैं। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन ना आ करके इनके हेल्प से सॉल्व होते हैं। तो देखिए कि आइसोमरिज्म हमें कितने टाइप्स का पढ़ना है, मतलब टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। तो हमें मेनली दो कैटेगरी के आइसोमरिज्म को पढ़ना है, वो है पहला एक स्ट्रक्चर, एक है स्टीरियो आइसोमरिज्म। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमरिज्म। दोनों शब्द क्या है, दोनों चीज को समझा जाए। अगर आपको आइसोमर स्ट्रक्चर के डिफरेंस के कारण में, स्ट्रक्चर का डिफरेंस मतलब कुछ भी हो सकता है कि कोई पार्ट अपने पोजीशन को चेंज करे या हो सकता है स्ट्रैंड चेंज कर जाए, लेंथ चेंज कर जाए, तो वैसे आइसोमर को बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर। जैसे एग्जांपल हम देखिए कि हम कह सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3
कि ये ब्यूटेन C4H10 इसे हम कह सकते हैं कि ये भी ब्यूटेन है, बस इसमें हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया। कहने के लिए हम इसे भी कह सकते हैं कि ये भी हमारा ब्यूटेन है क्योंकि इसे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और चेंज। ये सब में हम करें तो इन सब की फॉर्मूला जो आएगी वो आएगी C4H10 और C4H10। चेक कर सकते हैं C4 3 2 5 7 और 3 10 3 2 5 5 7 6 और 6 6 6 12। तो यहाँ पर हमने शायद एक कार्बन को ज्यादा लिख दिया, यहाँ कार्बन की छह CH3 कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो सॉरी हमें यहाँ पर दो नहीं तीन नहीं दो ही मिलने वाले हैं जो हम लोग बोल सकते हैं क्या सुमर है। तो C4H10 दोनों का फॉर्मूला, कभी कार्बन की संख्या चेंज करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर में देखिए कि फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंस। तो ये हुआ एक स्ट्रक्चर आइसोमर। एग्जांपल में और देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH, और ये ही में CH CH3 OH, इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखना चाहें तो दोनों में क्या है कि सारा कुछ सेम है, पोजीशन बदल दिया गया है कि OH कहां पर लिंक है, एक में एंड पर है और एक में मिडिल पर। तो जब ऐसी संरचना में डिफरेंस मिले, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिले, तो ये किस कैटेगरी में हुआ, स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग फर्दर डिटेल में बकायदा पढ़ेंगे। दूसरी है स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर होता क्या है तो समझा जाता है। स्टीरियोस का मतलब होता है ऑक्यूपाइंग स्पेस, एक ग्रीक वर्ड है स्टीरियोस, और स्टीरियोस का मतलब होता है ऑक्यूपाइंग स्पेस, मतलब कि कहां पर जगह लिया गया, मतलब स्ट्रक्चर सेम है लेकिन जगह या ओरिएंटेशन बदल जाए तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे क्या हुआ तो देखा जाए कार्बन क्लोरीन CH3 CH3 F, और यहां पर हम कह रहे हैं F CH3 CCl CH3। अभी दोनों स्ट्रक्चर को देखा जाए, इस दोनों स्ट्रक्चर को देखने से पता चलेगा कि किसी तरह से स्ट्रक्चर में हमने कोई चेंजेस नहीं किए। जहां पर जो किसके साथ जिसके साथ बॉन्डेड था अभी भी वही बॉन्डेड है, लेकिन जो चेंज हुआ है मेजर वो ये हुआ है कि इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हुई है, एक दूसरे के हिसाब से अरेंजमेंट, यहां फ्लोरीन नीचे में है और यहां फ्लोरीन ऊपर, ठीक है, और वहां फ्लोरीन ऊपर और नीचे से हुआ क्या है, यहां पर CH3 CH3 एक दूसरे के अपोजिट में थे और अगले स्ट्रक्चर में CH3 CH3 दोनों के एक साइड। तो स्पेशियल अरेंजमेंट में जब ऑक्यूपाइंग स्पेस में जब चेंजेस आए और उसके कारण जो आइसोमर स्ट्रक्चर मिले तो उसको बोलते हैं स्टीरियोस। तो अगली हम लोग जहां वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियोस में हम लोग यहां इंट्रोडक्शन तक ही कंप्लीट करते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर मतलब ऐसा आइसोमर जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस से मिलता, स्टीरियो आइसोमर जहां पर स्पेशियल अरेंजमेंट या ऑक्यूपाइंग स्पेस के अरेंजमेंट के कारण जो डिफरेंस मिलता है उसे बोलते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो आप लोग जो भी इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की या फिर बोर्ड के लिए बोला जाए तो बोर्ड के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एंट्रेंस एग्जाम के लोग हैं वो लोग यहाँ पर ज्यादा टेंशन पे कीजिए और आगे के कंटिन्यूस वीडियोस को फॉलो अप करके पूरी तरह से देखें। कुछ भी डाउट रहे किसी भी वीडियो में आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश कीजिए, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके कि हमारे अगले वीडियोज में क्या कंटेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।